आप कूल बेटा ओल्ड स्कूल रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जब यू नो यू हैव बीन द कूल फादर एंड अभिषेक बीन ओल्ड स्कूल ऐसा कोई इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जी अभी तक नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए और अगर होने की गुंजाइश होगी तो हम होने भी नहीं देंगे ऋषि सर आप Uh, कुछ शेयर करना चाहिए कोई आपके साथ हुआ so, में, uh, जिस तरह की एनर्जी हम देख रहे हैं आपको इस गाने में बॉडी फ्लेक्सीबिलिटी की बात करें तो वो भी कमाल की है कहा से लाते हैं आप इतनी एनर्जी

नहीं नहीं बट शी कि आप लाते कहां से हैं <laughs> बाजार में तो बिकती नहीं है और किसी दुकान में होगी तो हम उसको खरीदना चाहेंगे लेकिन इसके पास उत्तर नहीं है मेरे पास कि कहां से लाते Actually, हैं एक्चुअली पैशन है वो करवाता है सब वैसे इनको पैसे नहीं मिलने चाहिए फिल्म में एक्टिंग करने के लिए कोई एक्टिंग तो करते ही नहीं है ये इतने नेचुरल हैं ये इतने हाँ और जैसे इन्होंने कहा कि सहकलाकार कलाकार जब ऐसे रिएक्ट करे तो वो हमारा काम आसान हो जाता है आ, मुझे याद है मैं एक आपको शायद याद हो आ, हम गाना फिल्म पिक्चराइज कर रहे थे नसीब का और उस गाने में पहला शॉट था अमित जी उस गाने में थोड़े शराब पिए हुए गाने हैं और वो मैं उनका छोटा भाई हूँ और मैं उनको घर ले जाना चाहता हूँ और वो एक फाइट वाइट करके भी आए हैं लगी भी है शराब में भी धुत हैं नहीं ज़्यादा हार्ट ब्रेक तो उन्हें मेरे साथ जब एक पहला शॉट हुआ मेरे ख्याल में वो जो भी स्टूडियो था तो अमित जी वॉज लाइक इन्होंने बहुत ऐसे सीन्स किए हैं बट उन्होंने वो शॉट देने से पहले एक बार कमल मास्टर जी थे और मनमोहन देसाई साहब थे तो हमने मैंने रिहर्सल नहीं की थी कुछ नहीं किया था उन कुछ म्यूजिक पीस था एंड हाउ ही ऑटोमेटिकली Transformed himself into that character. वो ऐसा वाकई में लगा कि आदमी रियली शराब पिया हुआ है और इन्होंने शराब पता नहीं कब से छोड़ी हुई हुई है तो हाउ ही एक्चुअली इन एक्टेड दैट और उसमें लास्ट में एक टोपी का सीन था वो टोपी जो मेरी गिर जाती है तो वो टोपी वो लेने लेने जाते हैं तो वो टोपी टांग से लग जाती है तो वो आगे बढ़ते हैं अब पता नहीं ये आपका खुद सोचा हुआ था कमल जी का था या मनमोहन जी का था पर जैसे उन्होंने कहा और जैसे उन्होंने किया वो परफेक्ट पिच परफेक्ट उनकी टाइमिंग हर चीज इतने ब्रिलियंट थी सो मैं इनके बारे में ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्षण इनके साथ बहुत मैंने बिताए हैं और जो बहुत कमाल के एक्टर और आर्टिस्ट रहे सर मिस्टर बच्चन एंड मिस्टर कपूर Uh, here to your right, right here. Yeah. yeah, thank you, Komal from Indian Express. Uh, my question is about uh, how uh, senior citizens uh, are ignored in the society when it comes to jobs and uh, social stratas, and uh, they are a neglected uh, strata in the society. And there are not too many films also made on senior citizens, or you know, uh, but. 102 not out is one of them so if you could talk about you know uh, ageism that is practiced not only in india but all over the world ageism he did piku he did pink they're all senior citizens he played that character in those films how can the films are not being made on that not not too many films actually well, there are not too many yeah, correct people but like amitabh bachchan also in the industry <laughs> <laughs>

मैं भी क्या कहूँ उसमें अमित जी uh, uh, मतलब फिल्म में uh, आप पिताजी बने हैं और uh, आपके बेटे हैं ये लेकिन असल जिंदगी में uh, असल जिंदगी में जब मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ऋषि जी ज्यादा बच्चों की तरह होते हैं ज्यादा चुलबुले हैं और आप ज्यादा गंभीर होते हैं आप जब बोलते हैं तो बहुत संभल संभल के बोलते हैं और ऋषि जी सारी बातें बता देते हैं कि कब किससे झगड़ा हुआ था या कब क्या हुआ था, करा था। आपको भी लगता है ऐसा सर जीवन में संभल के चले तो अच्छा है बचे रहेंगे आप लोगों से